हे मिस्टर एक्स, कौन है बे? एक क्वेश्चन था आपसे। कोई भी इंसान को स्काल्प पे मारने से ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों होता है देन एनी अदर मतलब बॉडी पार्ट? देखो बेटा, पहली बात तो उसको स्कैल्प नहीं स्कैल्प कहते हैं, और दूसरी बात कि किसी को मारना ना मारना से हमारा क्या, हम तो पहले से मरे हुए हैं। बात तो सही है। एज ऑलवेज क्या आपको डेंजरस एरिया ऑफ द स्कल्प के बारे में कुछ पता क्या है? डेंजरस डेंजरस लगा रखा है, जिस आदमी का स्कैल्प है नहीं है उसका क्या डेंजरस होगा, तुम बताओ उनको। हाँ बताओ तुम। क्या बात है भैया, हमको बोलो, हम सब सॉल्व कर देगा एकदम। देखो हम बता रहे हैं, हमारे स्काल्प में 5 लेयर होते हैं। ACLP, ए से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग सुपरफिशियल फाशा भी बोलते हैं, और फिर ए से आता है एपोनिरोसिस जिसको हम लोग एपिक्रेनियल एपोनिरोसिस भी बोलते हैं, और फिर एल से आता है लूज एरियलर टिश्यू, और फिर पी से पेरिक्रेनियम। तो ये जो सुपरफिशियल फाशा कनेक्टिव टिश्यू है इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है, कोई भी अगर तुम्हारे स्काल्प में टुक से मारे तो फुस से ब्लड निकलता है। और ये जो सेकेंड इनर मोस्ट लेयर है ना, वो जो लूज एरियलर टिश्यू, इसमें क्या होता है, इसमें एमिसरी वेन्स रहते हैं। एमिसरी वेन्स जो है वो कनेक्ट करता है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्रा क्रेनियल वेनस साइनसेस से। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन का लेन देन होता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डेंजरस एरिया ऑफ द स्काल्प, समझे? अच्छा ऐसा भी होता है। वैसे अंकल आप कौन? नहीं बेटा, वो बाद में बताएंगे हम।